हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अभी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो रोज यही रहता है कि लंच बॉक्स में क्या दें, तो आप ये हेल्दी सा ब्रेकफास्ट उनको बना के दीजिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग दाल, इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आपको ब्रेकफास्ट सुबह बनाना है तो ओवरनाइट आप इसको भिगो सकते हैं, और इसके बाद इसका जो पानी है ड्रेन आउट कर देंगे हम, और इसके बाद इसको डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। और मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद इसके अंदर हम कुछ और भी इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे जो हमारा ये ब्रेकफास्ट है इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आने वाला है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर दाल के साथ साथ मैंने डाल दी है 2 से 3 हरी मिर्ची। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जो हरी मिर्ची है स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैंने डाल दी है 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और इसके साथ साथ इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, और जीरे के साथ साथ मैं डालूँगी इसके अंदर 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, और साथ ही मेरे पास कड़ी पत्ता है ड्राई, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और बस इसका हम पेस्ट बना लेंगे बिना पानी डाले। तो हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे ऐसे ही हमें पीसना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और इसको अब एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा इसका पेस्ट बन गया है, और ये जो पेस्ट है अभी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसके अंदर हम बाद में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। उससे पहले हम थोड़े से इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे, डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, और इसके साथ साथ थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। लाल मिर्च इसके अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रीन चिली और रेड चिली डाली है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं तो इसके अंदर चिली फ्लेक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, और इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे ताकि ये जो बैटर है हल्का सा लिक्विडी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये जो हमारा बैटर है थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और मूंग दाल के टोस्ट, जो कि हम बनाएंगे बिल्कुल लेस ऑयल में। इसको हम बिना फ्राई करे बनाएंगे। आप चाहें तो इसको ब्रेड पकोड़े भी कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको टोस्ट सैंडविच, जो भी आप इसको बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड के ऊपर मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया है। तो फर्स्ट साइड से ही हम लगाएंगे, दोनों साइड अभी नहीं लगाएंगे, दूसरी साइड पे भी हम इसको कोट करेंगे, ताकि जो हमारा ये ब्रेकफास्ट है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार हो, और साथ ही क्रिस्पी भी, क्योंकि मूंग दाल का पेस्ट है तो इसको हम जब रोस्ट करेंगे तवे पे तो फिर ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है, इसके ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो इसे बटर या घी में भी बना सकते हैं, और जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़े से सफ़ेद भले तेल। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। और अब जो हमने ब्रेड पे पेस्ट लगा के रखा था इस तरीके से हम डाल देंगे, और इसके बाद ऊपर से भी हम वो पेस्ट इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से भी मैंने इस पे लगा दिया है पेस्ट, और दोनों साइड से हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने पेस्ट लगा दिया है। पेस्ट की जो लेयर है ज़्यादा आपको मोटी नहीं लगानी है, नहीं तो जो दाल का बैटर है हमारा कच्चा रह जाएगा। अगर आप पतली लेयर लगाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से बनके तैयार होगा ये। तो बस इसको पलट देते हैं, देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है नीचे से, और इसी तरीके से ऊपर से भी हम इसको सेक लेते हैं। तो पलट दिया है, और नीचे और ऊपर दोनों से मैंने इसको सेक लिया है। देखिए कितना बढ़िया सा इसका कलर आ गया है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसको दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं चाय या सॉस के साथ, और बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम में भी आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से अपने सारे जो टोस्ट हैं बना के तैयार कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका। तो इसी तरीके से बाकी टोस्ट भी हम बना लेंगे, और रेडी हो गए हमारे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी से टोस्ट। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, और मेरी वीडियोज़ को इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।